असदुद्दीन ओवैसी साहब हमें लगता है गांजा फूंक करके बयान देते हैं। असदुद्दीन ओवैसी जी खुद जो है न्याय से डरते हैं। इनके जो पूर्वजों के द्वारा किया गया मुगलों के द्वारा पाप है वो सामने आ रहा है। मुस्लिम कार्ड खेलते हैं, विक्टिम कार्ड खेलते हैं, तो उनके बात में कोई दम नहीं है। दूध का दूध पानी का पानी होगा। पीएम मोदी भी वहां चादर भेजते हैं। बीजेपी आरएसएस ने मस्जिदों और दरगाहों को लेकर इतनी नफरत क्यों फैलाई है? निचली अदालतें पूजा स्थल पर अधिनियम सुनवाई क्यों नहीं कर रही हैं? इस तरह कानून का शासन और लोकतंत्र कहां जाएगा? यह सही नहीं है। देश के हित में काम करना चाहिए। मोदी और आरएसएस की सरकार देश में कानून और शासन को कमजोर कर रही है। यह सब भाजपा और आरएसएस के सहारों पर हो रहा है। नहीं, इस पे भाजपा और आरएसएस कहां से आ गई? असदुद्दीन ओवैसी साहब हमें लगता है गांजा फूंक करके बयान देते हैं। ये जो जांच का है, सर्वे का है, चाहे जो केस को स्वीकार किया है माननीय कोर्ट ने किया है, और कोर्ट कुछ न कुछ देखा होगा ना। किसी का 50 साल से कब्जा है इसका मतलब ये नहीं कि वो चीजें उसका हो जाता है, क्योंकि मंदिर तो ऐसा स्थान है कि मंदिर हजारों साल पुराने अगर किसी का है तो उसमें देव की पूजा होगी, उसमें देवता की पूजा होगी, भगवान की पूजा होगी। तो जब प्रमाण है, जो डालने वाला है, केस डालने वाला है, तो उसके प्रमाण को कोर्ट देखती है, माननीय कोर्ट समझती है, तब जाकर स्वीकार करती है। तो ये जो तुरंत सरकार को घेरने लगते हैं, संघ को घेरने लगते, अरे भाई तो आपको रखनी है बात, जाके कोर्ट में रखो। तो असदुद्दीन ओवैसी जी खुद जो है न्याय से डरते हैं, क्योंकि इनके जो पूर्वजों के द्वारा किया गया मुगलों के द्वारा पाप है वो सामने आ रहा है। तो इसलिए वो कहीं ना कहीं हताशा में है, निराशा में है, इसलिए वो मुस्लिम कार्ड खेलते हैं, विक्टिम कार्ड खेलते हैं। तो उनके बात में कोई दम नहीं है। दूध का दूध पानी का पानी होगा, न्याय यहाँ मिलेगा। हमारे देश में न्याय की जीत होती है, सत्य की जीत होती है।